हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल फिट और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास है सुजुकी हायाबुसा 2021 मॉडल। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मोटरसाइकिल है, साथ ही में सभी यंगस्टर्स की जो बाइक लवर नहीं है उनकी भी वन ऑफ दी फेवरेट मोटरसाइकिल्स में से एक है। साथ ही में हम लोग इसको इंडिया में धूम बाइक के नाम से भी जानते हैं। तो सुजुकी हायाबुसा 2021 मार्केट में आ चुकी है, यानी कि सेल के लिए आ चुकी है। तो हम लोग इसका डिटेल वॉक अराउंड करेंगे, साथ ही में आपको मैं प्राइसिंग प्रोवाइड कराऊंगा और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रत्यूष और आप देख रहे हैं नमस्ते बाइक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट सुपर अमेजिंग बाइक्स के लिए। सबसे पहले गाड़ी की प्राइसिंग को लेकर बात करते हैं। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 16,40,000 रुपीज। RTO इंश्योरेंस, बाकी सारे पेपर वर्क वगैरह मिलाने के बाद ये कंप्लीट गाड़ी आपको ऑन रोड 18,50,000 रुपीज की पड़ जाती है, यानी कि 18,50,000 रुपए की। ये एक एस्टिमेटेड प्राइस बताया है। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट प्राइस जानना है तो अपनी नियर बाय सुजुकी या सुपर सुजुकी डीलरशिप पर आप विजिट कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपको करेक्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करा देंगे। जस्ट गाइस, चेक आउट दिस बैक लाइट, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। पर्सनली मेरी फेवरेट इसका टेल लैम्प है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इन रियल देखेंगे मोटरसाइकिल को, तो एक बहुत ही अच्छी फील प्रोवाइड कराएगी गाड़ी। नो डाउट गाड़ी के जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अपने प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अमेजिंग मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, जो इंडिया में पहली 100 मोटरसाइकिल्स आएंगी, यानी कि जो फर्स्ट 100 डिलीवरी सुजुकी करेगी हायाबुसा की, उसमें आपको काउल जो है वो कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा। लेकिन जब आगे इसको लेंगे तो आपको तकरीबन 20,000 से 25,000 रुपये इसके काउल के लिए पे करना पड़ेगा। अगर इंडिया में गाइस सुजुकी हायाबुसा की मार्केट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाइप है इसकी, साथ ही में YouTube सेंसेशन भी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। रिसेंटली अभी JS Films ने इसकी डिलीवरी ली है, बियर्ड बाइकर ने ली है और आगे आने वाले टाइम में अनमोल जायसवाल, जो कि हमारे इंडियन बैकपैकर हैं, साथ ही में AJ Gavin के ओनर हैं, वो भी इसकी डिलीवरी लेने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बाइक है। अब मैं इसका मीटर कंसोल आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो जस्ट लुक एट दिस मीटर कंसोल गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। इसका जो TFT डिस्प्ले है, कलर TFT डिस्प्ले, वो इस गाड़ी के मीटर कंसोल को या इसके डैशबोर्ड को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। साथ ही में इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल कराएगा ये, जैसे कि आप जब जितनी इंटेंसिटी से ब्रेक पर पुश कर रहे हैं या थ्रॉटल पुश कर रहे हैं तो वो भी आपको दिखेगा, नंबर ऑफ गियर्स दिखेंगे। साथ ही में इसमें बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD, ABS, इन सब की सेटिंग्स भी आप चेकआउट कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको हायाबुसा का जो एम्बलम है वो वेलकम लोगो स्टाइल आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे। गाड़ी की अगर टॉप स्पीड की बात करें तो अप्रॉक्स, जहाँ तक मुझे पता है, तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो अप्रॉक्स 190-200 किलोमीटर पर आर की होने वाली है। हालांकि इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है इंडियन रोड्स पे, लेकिन ये नॉर्मली टॉप स्पीड होने वाली है इसकी। अब इसके कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे इसका जो स्पेशल स्पेसिफिकेशन है वो सुजुकी इंटेलिजेंट राइड सिस्टम, जिसमें हम लोग इसको SIRS के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, एक्टिव, बेसिक और कम्फर्ट, एज वेल एज इसमें आपको 3 यूज़र डिफाइंड सेटिंग्स भी देखने को मिलेगी, यानी कि U1, U2, U3। तो अपने हिसाब से भी आप इसको सेट करके रख सकते हैं, जो आगे फ्यूचर में आप जब भी चेंज करना चाहें तो स्विच कर सकते हैं, जैसे कि U1 से U2 पे, या कंपनी की तरफ से जो 3 बेसिक प्री डिफाइंड आती हैं, एक्टिव, बेसिक, कम्फर्ट, उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ पावर फंक्शन मोड्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको पावर पॉइंट सेलेक्शन देखने को मिल जाता है, मोशन ट्रैक, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाता है, एंटी लिफ्ट कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, साथ ही में बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्ट में मिल जाता है इसमें आपको। तो इसमें आपको दोस्तों क्विक शिफ्टर भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आप बिना क्लच दबाए भी जब आप ट्रैक करेंगे इससे तो ईजिली आप इसके गियर शिफ्ट कर पाएंगे। हालांकि जो इसकी गियर हैं अभी थोड़े से हार्ड हैं, जैसे कि मैंने GS Films की वीडियो देखी थी तो उन्होंने बताया कि इसकी जो अभी गियर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जैसे कि आप मीटर कंसोल पे चेकआउट कर पा रहे होंगे, इसमें आपको हिल होल्ड सेट भी देखने को मिल जाता है, टाइम, डेट, ब्राइटनेस, राइडिंग सेट, RPM सेट, डिस्प्ले और भी बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं।
तो ओवरऑल आपको जो मीटर कंसोल है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो आपको कैसी लग रही है मोटरसाइकिल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, और आपकी भी ये ड्रीम बाइक है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं इसके आपको बाकी के 3 कलर भी चेकआउट करा देता हूँ, जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे इसका ब्लैक और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ ही मैं अभी व्हाइट और ब्लैक का भी अभी मैं चेकआउट करा देता हूँ आपको। गाइज इसमें आपको 1340 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो कि 190 पीएस की पावर जनरेट करेगा 9700 आरपीएम पर और 150 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेगा 7000 आरपीएम पर। तो जैसे कि आपने अभी चेकआउट किया, इसमें आपको दो कलर और मिल जाते हैं, ब्लैक और वाइट। पर्सनली मुझे रेड का मतलब सिल्वर और रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका जो एक्सेंट है रेड के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो कुछ इस तरह का मैंने क्विक वॉक अराउंड आपको प्रोवाइड कराया, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपकी भी ये ड्रीम बाइक है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटरसाइकिल या स्कूटर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।